नमस्कार, आपका स्वागत है जसिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का, तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का वर्चुअली उद्घाटन किया। इवेंट का फोकस महिला सशक्तिकरण के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। पीएम मोदी आगे बोले कि टेक्नोलॉजी से बड़ा बदलाव संभव है। 2015 तक हम 130 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर थे, लेकिन 2022 में हम 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं। स्टार्टअप में भारत टॉप 3 पर है। महिलाएं भी आगे आकर इसमें हिस्सा ले रही हैं। हर क्षेत्र की तरह साइंस में भी महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हुई है। कार्यक्रम का सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट रखा गया। इसका आयोजन तुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में हुआ। तुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी इस साल अपना शताब्दी समारोह बना रही है। इस दौरान महाराष्ट्र के डीप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम 2 साल बाद आयोजित किया गया। इससे पहले 2020 में बेंगलुरु में ये इवेंट किया गया था। कोविड-19 की वजह से इसे 2 साल के लिए टाल दिया गया। ये पहला मौका है जब पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग क्षेत्रों के टॉप साइंटिस्ट के समागम में हिस्सा नहीं लेंगे। बता दें कि इंडियन साइंस कांग्रेस का पहला सेशन 1914 में किया गया था, तब से ये हर साल आयोजित किया जाता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 के तहत महिलाओं का एक और सपना पूरा होने जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब की महिलाएं बहुत जल्द बुलेट ट्रेन चलाती हुई नजर आएंगी। इससे 4 साल पहले महिलाओं के ड्राइविंग करने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया था। सऊदी अरब के रेल मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए एक वीडियो साझा किया है जिसमें महिला बुलेट ट्रेन ड्राइवर नजर आ रही हैं। महिलाएं पुरुष सहयोगियों के साथ नजर आ रही हैं। पहले बैच में 32 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनकी नियुक्ति मक्का और मदीना के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन में की गई। सऊदी अरब रेलवेज ने ये वीडियो नए साल 2023 के पहले दिन साझा किया। वीडियो में एक महिला ड्राइवर कहते हुए सुनाई दे रही हैं, हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं। हमें फक्र है कि ये मौका हमें मिला। ये प्रशिक्षित महिलाएं अब 453 किलोमीटर लंबी हरमेन हाई स्पीड लाइन पर बुलेट ट्रेन दौड़ाती हुई नजर आएंगी। महिलाओं के लिए साल 2022 के शुरुआत में 30 बुलेट ट्रेन ड्राइवर की भर्तियां निकाली गई थी, बाद में इन्हें बढ़ाकर 32 कर दिया गया। इन 32 वैकेंसी के लिए 28,000 महिलाओं ने अप्लाई किया था। बीते साल सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं ने ऊंटों की शिफ्ट ऑफ द डिजर्ट प्रतियोगिता में भी भाग लिया। रियाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में 40 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सऊदी अरब में नौकरी करने वाली महिलाएं सिर्फ 20% थी। 2022 में ये आंकड़ा 33% तक हो गया है। अलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में एक मामले में अलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है कि दो वयस्कों को एक साथ रहने की स्वतंत्रता है और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण लिव इन रिलेशनशिप में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस बड़े फैसले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया। एक लड़की अपनी इच्छा से अपने पार्टनर के साथ रह रही थी, लेकिन लड़की के पिता ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस पर कपल ने कोर्ट में बालिग होने का हलफनामा दिया। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वाइज मियाँ की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। ऐसा करके हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास दिखाया है। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि अगर दो बालिग आपसी सहमति के साथ साथ रहना चाहते हैं तो ये कानून की नजर में अवैध या गलत नहीं है। कोर्ट ऐसे जोड़ों को पारंपरिक विवाहित जोड़ों की तरह देखता है और वो कोर्ट में तय किए गए नियमों के हिसाब से लिव इन में रह सकते हैं। एस खुशबू बनाम कन्यामल के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में दायरे में आते हैं। ऐसे में अगर लिव इन में रह रहे कपल में दोनों लड़की और लड़का बालिग हैं तो ये गलत नहीं है।
इस लिव इन रिलेशनशिप को शादी की तरह ही देखा जाएगा। नए साल में भारतीय सेना और सशक्त होगी। सेना को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने पर सरकार का फोकस है। इसके तहत अग्निवीरों की ट्रेनिंग जोर शोर से जारी है तो सेना के थिएटराइजेशन पर भी काम जारी है, जिसके तहत तीनों सेनाओं के 4 कमांड बनने हैं। दरअसल थिएटर कमांड तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने में बेहद कारगर साबित होती है। इससे दुश्मन पर अचूक वार संभव हो सकता है। दरअसल थिएटर कमांड तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने में बेहद कारगर साबित होती है। इससे दुश्मन पर अचूक वार संभव होता है। युवा शक्ति है जो आने वाले वक्त में देश के लिए अपना सब न्यौछावर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत युवा अग्निवीर बनने के लिए पसीना बहा रहे हैं। थल सेना से लेकर वायु सेना और नौसेना तक में अग्निवीरों की ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अग्निवीरों को तैयार करने के लिए 22 हफ्तों का प्रशिक्षण होगा। इसके बाद 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद ये युवा अग्निवीर बनकर देश सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे और जुलाई 2023 से इनकी तैनाती शुरू हो जाएगी। अपनी सैन्य क्षमता का लोहा मनवा रही भारतीय सेना अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव के साथ साथ आधुनिकीकरण पर भी खास जोर दे रही है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर तेजी से काम चल रहा है। सेना के थिएटराइजेशन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और उच्च रक्षा संगठन के विकास को लेकर भी भारतीय सेना संकल्पित है। आने वाले समय में सैन्य बदलावों पर तेजी से काम करते हुए सुरक्षा बलों को और मजबूत बनाने पर सरकार का पूरा फोकस है। बता दें कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत सेना के थिएटराइजेशन पर काम कर रहे थे। ट्रेनों में महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रेलवे लगभग 15,000 कोचों के अंदर CCTV और पैनिक बटन लगाएगा। इसमें राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन्स शामिल होंगी। रेल मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि अब तक करीब 2,930 रेल कोचों को CCTV से कवर किया जा चुका है, इसलिए मौजूदा ऑर्डर पिछले ऑर्डर से करीब 5 गुना बड़ा होगा। भारतीय रेलवे ने कहा कि उसकी सभी 60,000 कोचों को दरवाजे, वेस्टिबल क्षेत्र और गलियारे क्षेत्र पर CCTV निगरानी के साथ कवर करने की योजना है और ये सुनिश्चित करना है कि गोपनीयता का कोई उल्लंघन ना हो। विशेष रूप से इन CCTV में वीडियो एनालिटिक्स और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होंगे और RPF पोस्ट मंडल और जोनल मुख्यालयों से कोचों के रिमोट ऑपरेशन और निगरानी को सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा हर कोच में कम से कम 2 पैनिक बटन का प्रावधान होगा, जिसे दबाने से नजदीकी RPF पोस्ट या डेटा सेंटर अलर्ट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम होने से रेलवे की कार्य प्रणाली भी बेहतर होगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे अपराधों से संबंधित लगभग 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए थे। भारतीय रेलवे की ओर से सुरक्षा कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को बेहतर करने के लिए ट्रेनों में सुविधाओं में भी सुधार ला रही है। नए साल पर दिल्ली वालों को एक नया तोहफा मिला है। अब दिल्ली के 5 और 4 स्टार होटल्स में बार और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुल पाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ऐसे लाइसेंस देने के प्रावधानों में बदलाव की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इन प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली के खाने पीने के रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और होटल्स को कई सारी छूट मिल जाएगी। एक और बड़े कदम में ऐसे लाइसेंस धारकों को अब 28 डॉक्यूमेंट लाइसेंस लेने के लिए नहीं देने होंगे। साथ ही साथ जो लाइसेंस अब तक सालाना मिला करते थे वो लाइसेंस MCD की तरफ से 3 साल के लिए और दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की तरफ से 9 सालों के लिए मिला करेंगे। राहत सिर्फ 5 और 4 स्टार होटलों को ही नहीं बल्कि 3 स्टार होटल रात के 2 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं इन सब के अलावा सभी होटलों को रात को 1 बजे तक काम करने की अनुमति होगी। इस नई पॉलिसी को हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली की नाइट लाइफ और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा मिल सकेगा। 5 और 4 स्टार होटलों को एक ऐसी बड़ी छूट मिली है जिसके तहत ऐसे होटलों को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि एक से ज्यादा ऐसे लाइसेंस मिल पाएंगे कि वो लाइसेंस फीस जमा करवाएं। अब तक ऐसे लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले तकरीबन 140 जानकारियों वाला फॉर्म भरना होता है।
जिनकी लंबाई 21 पन्नों की होती है, जिसे अब छोटा कर 9 पेज में ला दिया गया है। अब अलग अलग हलफनामा को भी नहीं भरना होगा, बल्कि सिर्फ एक कॉमन अंडरटेकिंग देनी होगी, जिसका इस्तेमाल दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, MCD, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी जैसी एजेंसियां करेंगी। अब इन लाइसेंस को एक समयबद्ध तरीके से जारी भी करना होगा, जिनके लिए पहले कोई समय सीमा नहीं होती थी। नई पॉलिसी में कहा गया है कि सभी संबंधित एजेंसियां और अधिकारी आवेदनों को मंजूरी देने में ज्यादा से ज्यादा 49 दिन लगा सकते हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।